हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर की में यूज होने वाली तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स स्पीड विलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सबसे पहले हम लेंगे स्पीड और मैथमेटिकली स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस को प्यारे बच्चों हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकेंड में तो डिस्टेंस के लिए यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड ये पब्लिक का मतलब अपॉन में सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम या फिर इसकी जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड रेट मींस जब डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होती है तो हम उसे जो टर्म यूज करेंगे रेट मीन्स की डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड डियर स्टूडेंट स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती वन मोर फैक्ट अबाउट स्पीड इज दैट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव कभी भी इसकी वैल्यू स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो वैल्यू नहीं लेगा हमेशा स्पीड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी और सेम वे जिस तरह से हमारी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उसी तरह से जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा डियर स्टूडेंट स्पीड स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो भी किस तरह से होगी मीटर पर सेकंड क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट वेयर इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल मीन्स की जिसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ तक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट विलॉसिटी दैट विलॉसिटी इज ए वैक्टर क्वान्टिटी और वैक्टर क्वान्टिटीज़ कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो प्यारे बच्चों जो विलॉसिटी है वो एक वैक्टर क्वान्टिटी है वैक्टर क्वान्टिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है एंड स्पीड वेलोसिटी और एक्जलेशन एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड यूनिट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट यूनिट मीटर पर सेकेंड टर्म वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्जलेशन होगा तो एक्जलेशन वर्ड का मतलब है जब विलासिटी चेंज होगी विलासिटी इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है या फिर हम एक्सेलेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं द रेशो ऑफ चेंज इन विलोसिटी टू द टाइम इंटरवल इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स सपोज इनिशियली अ कार इज एट पॉइंट ए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यू है इनिशियल वेलोसिटी मीन्स शुरुआती जो उसकी वेलोसिटी उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम विच इज टेकन एज टी द कार रीस्ड एट पॉइंट बी तो बी पर जाते जाते उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई मींस की फाइनल वेलोसिटी को हमने V से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ परेशन तो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T तो ये एक्सलेशन के लिए एक फॉर्मूला आया डियर स्टूडेंट अब हम इससे एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला ज्यादा क्लियर हो जाएगा है हमारा

एक्सलेशन के लिए फॉर्मूला है एक्शन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन तो डियर स्टूडेंट, जो बाईसाइकिल है वो रेस्ट रेस्ट पोजीशन से स्टेशनरी मींस की रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इसलिए इसका यू जीरो होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल जीरो और आफ्टर थर्टी सेकेंड सिक्स मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है जब टाइम थर्टी सेकेंड है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी प्यारे बच्चों सिक्स मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो एग्जलेशन इस केस में ये केस नंबर वन है पहला केस है वेलोसिटी यू से वी में चेंज हो रही है जीरो से सिक्स मीटर पर सेकेंड में चेंज हो रही है इन थर्टी सेकेंड तो एग्जलेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू वी यहाँ पर है सिक्स तो यहाँ सिक्स लिया यू यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिया और टाइम दिया है यहाँ पर थर्टी सेकेंड यू थर्टी फोटअप कर लिया सिक्स अपॉन थर्टी वैल्यू आएगी गी वन अपॉन फाइव मीन्स कि केस नंबर वन में जो एग्जलेशन है जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो डियर स्टूडेंट जो एग्जलेशन के लिए यूनिट जो है वो मीटर सेकेंड की पावर दो सेकेंड केस में जब बाइसिकल सिक्स मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो सिक्स मीटर पर सेकेंड पर ब्रेक अप्लाई करता है मीन्स की ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है मीट फोर मीटर पर सेकेंड में तो इस केस में हमने इनिशियल विलॉसिटी लेनी है इनिशियल वेलोसिटी यू लेंगे सिक्स मीटर पर सेकेंड ब्रेक लगाने के बाद जो विलासिटी चेंज हुई वी में अब इनिशियल वेलोसिटी सिक्स हो गई बी हो गई फोर मीटर पर सेकेंड फोर मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी इसकी फाइनल हो गई वेलोसिटी सिक्स से फोर हो जाती है मीटर पर सेकेंड इन टाइम नेक्स्ट सिक्स से फोर जो स्लो डाउन वेलोसिटी हुई है वो फाइव सेकेंड में हुई है टाइम लिया हमने फाइव सेकेंड और एक्सलेशन के लिए दिया स्टूडेंट फिर सेम फॉर्मूला रहेगा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी तो फाइनल वेलोसिटी अब हमने फोर लेनी है इनिशियल को सिक्स लेना है और यहाँ पर टाइम फाइव हो जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव और जब हम एक्जेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्जलेशन और वेलोसिटी में इतना ही अंतर है कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और एक्जलेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है डियर स्टूडेंट्स जब हमारा एक्सलेशन नेगेटिव में आ जाए तो वो एक्सलेशन नहीं वो रिटार्डेशन होगा या फिर डी एक्सलेशन होगा केस वन में एक्सलेशन है जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसको ऐसे लिखो या फिर मीटर पर सेकेंड की पावर टू इस तरह से लिख सकते हैं तो केस नंबर वन में जब एक्जलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो एक्जलेशन हुआ जब रिटार्डेशन मीन्स की नेगेटिव एक्जलेशन जब विलोसिटी डिक्रीज होती है ज्यादा से जब विलोसिटी कम होगी तो रिटार्डेशन होगा रिटार्डेशन को हम डीएक्सीन भी कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू है वेलोसिटी चेंज की तो एक्सलेशन वेलोसिटी चेंज की नेगेटिव वैल्यू है तो वो रिटार्डेशन या फिर डीएक्सीन होगा